और नुमान जड़ा ना आंधे लाज ना खेड़ दे ओए 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 चलो चमची लाया पानी लाया भूख लगी कोती बाद में काम भी जड़ा काफी सारा कराना पिया मैं उधर तन गया सी सब्जी लेवण तो हम आमला बैठा वे ओज तकरीबन पहला वार जड़ा ना हो गया मुकम्मल और ए मैं काम में मसरूफ हूं फिर तू आप तो क्या से अगर काम दिन चोखा हो फिर ना आई क्या सी ना रहीम अस्सलाम वालेकुम दुआ करना तमाम बहन दिल जी थे खुश रहन बात रहन हमेशा हंसते मुस्कुरा रहन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बहन भी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो घंटे निशान दबाना ना भूलिया ताकि हमारी हर नवी वीडियो तक आसानी पहुँच सके अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं तंदूरी छोटी का जरा टोड़ा मैं बना लिया बहुत जरा पिया सिर्फ इस छोटी तंदूरी का और मैं मिट्टी की जगह वगैरह बनाऊ सी लेकिन मैं सोचा भी सारे पहले चल के जरा बहुत ही सुर कर भी अगर बहुत मिल जाता है ना उधर चाचू कहलू तो फिर जो लै आने तो अगर होर टोड़े आज इसके दिन नहीं जड़े सारे 10-12 टोए जो खट के एक बार जी मिट्टी वगैरह जी ला लें तो शहर जा रहे हैं इस करके भी वह भी लैके आवेगा दूसरा सब्जी वगैरह टाइम में लैके आ जाऊँगा फिर जो टाइम कोई नहीं लगना क्योंकि सुबह तो लाके शाम तक जो काम काफ़ी सारा करा पाया जो करना क्योंकि तंदूर के मिट्टी बेवन गोवन जी जगह बनानी है दूसरा टोए खटने इस करके और बेगम साहब को जो पूछ लेंगे भी कुछ चीज़ अगर सब्जी वगैरह जी कि लेनी है वह भी लैके आवेंगे तो टाइमो टाइम ही जो चलने चल के जो लैके आने बर्तन जो धोन जा रहे हैं चलो मैं पता की तूड़ी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि तोड़े जेने दे लिया एक बार सारे खट लिए सही ने मैं आके जेड़ा ना बदले सा काम वगैरह जेड़ा कर लवा एक केरी सारा मैं भी जेड़ा ना टोड़े कटने शुरू करना अम्मी अबू भी कह रहे हैं कि असि जेड़ा ना चले आगा शहर तो मैं उन्होंने आख्या वापसी जाते हो जेड़ा ना अगर चाचू होर ले जाओ ने तो वापसी जाते हो मैं जेड़ा ना बहुत तुम ले गया मैं फिर जेड़ा ना जरूर जाना क्योंकि मैं तो अगर स्पैशल जेड़ा ना बहुत की वजह से जेड़ा ना जाऊ असो सब्जी भी कही अबू होर भी लैके आ जाएंगे और बहुत भी जेड़ा ना वो भी लैके आ जाएंगे तो मैं जेड़ा ना खटना टोड़े अगर मुनासिब लगे उन्होंने बहुत लियाना और कोई समान ना लैन दे उन्होंने फिर तो जेड़ा ना वो ही लेके आवे नहीं तो फिर जेड़ा ना मैनू जेड़ा ना जाना पैना जा फातिमा जी ने कूलर च पान की कोशिश कर रही है पानी तो गिलास जेड़ा ना नहीं मिल रहा इन हूँ नहीं गए पई सी गिलास जेड़ा ना थले पिया होया हूँ इन भी पता भी इतों टूटी चलानी है तो पानी निकलना टूटी के बेच उन्हें फसा दिता गिलास कहने च कह रही कि पानी इन्हें चु कट दौ अम्मी अबू जी शहर चले गए लेकिन उन्होंने उधर कोई समान लेना इस करके जेड़ा ना फिर बहु लवन जेड़ा ना मैनू ही जाना पौना लेकिन मैं इंतजार करना उन्नी देर तक जो घर का काम वगैरह जो कर लेना क्योंकि अम्मी अबू जी आवेंगे घर रहेंगे तो फिर जो मैं जावगा तो इन खिला सारे पहले चल के चलने मिट्टी तो जी पई पहले वो गो लें उस तो बाद जो मिट्टी गोन पेड़ जी जगह बना लेंगे जी अम्मी अबू जी जो शहर चो के आ गए हूँ जरा ना मैं चलिया अच्छा अबू मैं भी जेड़ा ना शहर चुन हो जावा बहुत जेड़ा लैना वो ले आवा तो कोई और सब्जी सुब्जी जी लैनी ने वो भी जेड़े ले आवा निजाह फातिमा वाकई नु छाड़ के तो वैसे रेड़ी बंदी अलीमा सादिया जाना नहीं और जी इंशाल्लाह चलने सुन लेन याद करके शहर पहुंच के फिर तुहाडे नाल गलबात होंगी हाँ जी तो माशाल्लाह इतने जेड़ा ना चाचू कहले जेड़ा ना पहुंच गया और भाई होर नु कहा कि बहुत दा जेड़ा ना सानू एक थोड़ा जनाब दियो क्योंकि जो तंदूर के टोए वगैरह जो लिबड़े ठीक है भाई और काफी सारे मसरूफ बैठे माशाल्लाह मस्जिद दी है ना घोड़ी जी कल आप देखी सी जाके बस बेस्ट है फट्टे वगैरह ने बनवाए ने हाल हूँ बनवाने काम में मुझे सट्टा फिट्टा थोड़ी बहुत लगती रही मेरे सारे हाथ जख्मी हुए हैं जैसे सारी लाई रखी है इट्टा वगैरह चोटा वगैरह आ जाए हीरा तो सफाइया कर रही माशाल्लाह हां हीरा हीरा दुध रिड़कना भी है वैसे
अलहमदुल्ला घर जरा वापसी में आ गया और इस चीज़ की जी खास जरूरत आई बोंद जी बोरी पूरी जी बर्क लैके आ गया और बेगम साहबन जरा मेरे आंदे तिकर जरा पहले वाला जो दिन टोड़ा कट्टिया ना वो वाला जरा ना लिंब पोच के जरा ना रखता टेंशन जी हो गई खत्म हूँ जरा मैं भी टोड़े वगैरह जगह ना कुछ होर खटने लेकिन सर्दी जी ना बहुत ही ज़्यादा धुप भी माशाल्लाह निकली लेकिन ठंडी हवा जी तेज़ चली हुई है इनकी वजह से जी सर्दी बहुत ज़्यादा जी लग रही है जी। मैं भी इधर हूँ सब तो पहले जरा मिट्टी बेहन वाली जी जगह बना लवा क्योंकि सब तो पहले जरूरी है फिर मिट्टी कुट के जी सिटा इन्हें छापर वगैरह लावे लेकिन सारे पहले इटा वगैरह इंचुरस्ता जोड़ के डब्बा जो बना के उनके फिर छापर वगैरह जो रखा तो फिर जी मिट्टी बेहन बोन की जी जगह बननी है और जी ए जी ने मिट्टी बेहन वाली जी जगह बनाई आ और हाली गोन वाली जी ने इतने अगे करके जी नाल बनानी आ उपर जरा छापर वगैरह पाना लेकिन इतों पुराने छापर की जी कोशिश करने नवा छापर तो जरा है कोई नहीं इस टाइम क्योंकि एक टोटा है छापर लेकिन वो जरा मोटरसाइकिल उपर जरा इतों पुराना कोई टोटा छापर जा के उपर जरा मिट्टी से जरा कुटन पेन वाली जगह वगैरह जी अज बना लेनी है हाथ पही है ना और ये भी सुकती पई इन जरा ना गो लेनी फटाफट और चूल्हे जरा वार वगैरह दे लेनी लेकिन ज्यादा टेंशन इन जगह बनावन दी जी बना लेनी कोशिश करना जी अगर पुराना छापर जरा काम दे गया तो ठीक है नहीं तो फिर जरा ना नवा छापर जरा लैके आने जगह जरा ना कुट के कर लिया बिचो अच्छी तरीके ने जरा लेवल हूँ जो ठीक है गोन लगे मिट्टी अगे पिछे हाथ बज देना छापर पुराने क्योंकि वो वाली मिट्टी होंगी तंदूर वाली कीमती ताकि थले जी दूरी मिट्टी जी रले ना अगर ए वाली मिट्टी बेच रल जाए तो उन्हें फिर जो तंदूर खराब हो जाए चूल्हे वाली मिट्टी के मुंज तो पानी कोई नहीं बूह पाना है इस करके जो बूह आए पे अगला पुराना ये पा के जी हैली मिट्टी जी फैलनी गोनी जी करने शुरू लेकिन हूँ जो सारे पहले वाली मिट्टी जी मैं घर लगा और मिट्टी बनाने वाली जगह जी ना गोन वाली अरजांटी में बनाई है दस्ती और इंशाल्लाह मिट्टी जी मैं गो लवा उस बाद जी फिर तुहाडे नाल गलबात होंगी अगर थोड़ी जी हार्ड मिट्टी वीक गई तो फिर तुझे वार वगैरह जी हमने दे लेनी है लेकिन हम सारे पहले जी मिट्टी गो लवा जी तो मिट्टी जी ने गोल ही हूँ जी ने चक रखी वार एक बार जी सारी जाएंगे इतने तकरीबन जो लग रहा चूल्हा हूं जो दिने
ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੈੜਾ ਝੁੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ इंशाल्लाह टाइम तो लग जा लेकिन मुकम्मल चूल्हा जो बना के दिखावांगा ਹਾਲੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜੋ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗ ਵੀ ਅੱਜੋ ਬਾਲ ਸਕਨੇ ਆ ਅਰਜੈਂਟ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ मैं काम में मसरूफ हूँ फिर तू आप तो क्या सी अगर काम दिन चौखा हो फिर ना आई क्या सी ना मैं काम में मसरूफ सी मैं नहीं आया मैं तेन मान है आप क्या अगर वेले हो तो आज भी अगर काम हो फिर रहने दिया फिर मैं काम में वेला आ सू कोई नहीं इस करके मैं नहीं आया हूँ कपड़े चेंज कर लो तुहाडे वास्ते बना रहा मैं गर्मा गर्म चूल्हा सही नहीं सही बनता पे मैं कल कर आया सी तेरे अपने टीचर ने गल भी वो कह रही कि नुमान दे जेड़े ना पेपर भी आए खड़े मैं तुम पहले इनफॉर्म कर दसा मैं चलो ठीक है तुहाडे माशाल्लाह चूल्हा जेड़ा ना हो गया मुकम्मल इधरों ते तकरीबन वैसे वार दे भी दो तीन दिन वार मुकम्मल होने लेकिन इस तरह बिल्कुल 15 मिनट जेड़े ना वार मुकम्मल हो गए ना क्योंकि हूँ जरा ने आराम बाल्टी जी ने कड़ लेनी दुआ कर खैरी सलामती जी ने बाल्टी बाहर निकल जाए अली बो बाकी का काम जरा ने इसते फिर सुबह जरा करा सजावट आला का क्योंकि दो घर ने आखे ने मैं दो चूल्हे जेड़े ना अंगीठियां बड़िया पी मेरे को मैं बना के दे लीए माशाल्लाह हूँ जी बाल्टी कडू तो हाँ जी निकल गई तो लेकिन मैनू नहीं लगता पे हूँ निकलेगी और जी निकल आया लेकिन है हाली तक गिला इस करके जो नाल ही हूँ जो रख देने सुबह जेड़ा ने इंशाल्लाह इन कढ़ांगे अच्छी तरीके सोक जाएगा क्योंकि हूँ बिल्कुल बाल्टी तो जी निकल आई है लेकिन कड इस गलू नहीं रहा क्योंकि गिला उगड़ी ने जरी क्या ठोंकर लाई चूल्हा खराब हो जाना दूसरा चूल्हा भी जेड़ा ना सुबह ही तैयार करांगे माशाल्लाह हो गया मुकम्मल मुँह हाथ जेड़ा ना मैं भी धो लिया मेरे तो दिल आई होनी जी बाल्टी निकल जाती लेकिन फिर सोच गया बाल्टी तो निकल आवे भी कुकड़ी जी सीना चूल्हा जरी को ठौकर मारनी चूल्हा जो डिग पैना अद्धे घंटे की मेहनत जी जाया जानी है और टोटल लेवल बन गया सुबह जेड़ा ने इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम जरा बाहर कड़ लवेंगे और इन उपर जोन वगैरह जो भी बना लवेंगे मतलब कि हांडी रखने की जी देजगी रखने की जी जगह दो तीन डूडन जो उपर बनाने और इधर उधर जो बाल्टी काट के उन्हें जो बाहर दे लवेंगे पहले जो कंप्लीट कर लवेंगे नाल जरा ना मिट्टी बेहन वाली जगह तो जी अलहमदुल्ला बन गई है तैयार बस मिट्टी कुट के बेहनी आ तो सुबह जरा मिट्टी कुट के जी तंदूर की बेह भी लवेंगे और दूसरी यह है कि तंदूरिया अगले टोड़े जो माशाल्लाह सोख गए मुकम्मल और सुने अल्लाह याद करके चूल्हे का अज काम शुरू हो गया तंदूर का काम जो अलहमदुल्ला सुबह जो शुरू हो जाएगा और नुमान और माशाल्लाह स्कूल जरा आ गए और अम्मी अबू जो बना रहे पुलाओ और नुमान जरा आंदे ला जरा खेड रहे मैं चला गया सब्जी लैन इधरों काम जो ना ही खत्म होया सब्जी जी लैन चला गया और मैं लैके आया मटर गाजर और आलू आलू मटर गाजर जी बनाने अम्मी और जो चावल बना रहे हैं खत्म शरीफ वास्ते वो असं हूँ ही खा लेने सब्जी जी असं हूँ भी खानी है
सुबह भी खानी है, फिर समझ लो कि कल दोपहर में जी यही सब्जी जी खानी है। हेलो आलू मटर गाजर तीन छह पका दिया आलू मटर गाजर तीन चीजा बना लो शोरे नहीं सुकी सुकी बनेगी सुखा रहे हाले तक सब्जी सस्ती मिल रही है पता नहीं प्याज महंगे प्याज मिलाई कोई नहीं अद्धा किलो भी आलू डीजे ने ते पंजाह दे मटर अद्धा किलो ते भी दी गाजर ते भी टमाटर 100 रुपये दी सारी अरश लैन दी ठीक है। मैं आमाम तू ना ओलम खादी बालवा है मैं उधरों जो ना वेला बैठा हूँ मैं जो उधरों लिमने ठीक है तो सुबह जो ना तुम मैं क्या तभी मैं लैके जावगा ठीक है। मैं चलिया हूँ खत करा को मोटरसाइकिल जो मैं इतने जो ठलिया उधर अगर लाई को नहीं गया सारे पहले चलिया खत कराया मैं उस बाद जी फिर तो गलबात होगी हमाम तो जो मैं पहुँच चुके हैं लेकिन बाई जानवरी जेडे ना इतने है नहीं कोई नहीं लापता ने ना बहर बैठे ना इतने जो हमाम से ने तो आ जाते हैं फिर जो खत करा के घर चलने जी तो माशाला खत जी ने करा ली और नाल वाल भी जो भी कटवा ले और बाकी चावल जेडे ना माशाला पक गए ने और रोटी सालन जो हूँ तैयार हो गया चलो चमची लाया पानी लाया भूख लगी खोती बाद में काम भी काफी सारा कराना पिया मैं कुदरत गया सब्जी लेवन तो हमाम वाला बैठा वेला क्योंकि अगे पिछे जाना रश होंदा काफी सारा तो मैं चलो जाना ना खत वगैरह जो कराई है तो इंशाला चावल जो पानी लाया चमची लाया चावल खा लो अलहमदुल्ला चावल जो खा ले हूँ जी पाक ली रोटी और सालन और सारे पहले नुमान की रोटी पाक भी है घ्यो वाली क्योंकि सुबह ही आता घ्यो वाली हो शाम ही आता घ्यो वाला पराठा ही हो असि दे घ्यो तो बगैर जी रुखियां जी खाने क्योंकि घ्यो माशाला जेड़ा ना काफी उच्चा चला गया। हाँ जी और लकड़ा जी ने थले दो इस्तेमाल हूँ करनी शुरू करती है गर्मियां तिकर जी साड़ियाँ दूसरी लकड़ा जी ने तक जान बहरलियां खत्म हो गई हाले लकड़ियां पईयां ने दुआ करो दो तीन महीने साढ़े जेड़े ने इन्हां ते निकल जावन माशाला पईयां तो काफी सारिया ने। हाँ जी तो माशाला रोटी जी पा गई रोटी जी मैं खाधी कोई हाली मैं चावल जो खा ले 10-20 मिनट ठहर के रोटी खा ले मैं निकल आया बाहर फसलों ले क्योंकि सवेरे सवेरे तो जो फसलों ले आई दा नहीं क्योंकि जी ठंड बहुत ही ज्यादा होंगी हूँ जी कि माशाला तकरीबन जो हो गए हफ्ता 2 हफ्ते हो गए बर्फ जी पैंती है स्मोक जी खत्म हो गई धुंध तो बर्फ वाग जरा कोहरा सवेरे सवेरे कणक जी वाइट वाइट नज़र आती है सफेद सफेद इतना जो कक्कर वगैरह तो कोहरा जरा पैंता और माशाला कणक जी काफ़ी वीडी वी जी हो चुकी है तो तकरीबन 3 महीने बाद जी अलहमदुल्ला हाथ जो लग जाने फुल जो मेरे को रह गए फैनली आ इन्ने एक माशाला तो सूरज जड़ा ना बहुत ज्यादा जड़ा ना प्यारा लग रहा क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला तकरीबन अद्धा घंटा जड़ा ना दिन रह गया बाकी मैं सोच रहा वेखो कितना तो चल सकने लेकिन कट्टी हुई सरियां जी चल के वो तुम जो दिखा दें एवं मैं 5-10 मिनट का जड़ा ना चक्कर लाया आइए काफ़ी दिन हो गया 2-3 हफ्ते हो गया तकरीबन जो बैक साइड तो नहीं निकलिया मैं आख्या सारे भैन भाई जी ना मतलब कि जो शहर वास्ते रहते हैं साढ़े वास्ते मतलब कि चीज़ जी आम लगती है लेकिन जो अस मतलब कि शहर वगैरह वे चलिए ना फिर असं जो बिल्डिंग वगैरह जी देखने कि वो जी कि प्यारी खूबसूरत बनी हुई है माशाला मैं लगता है क्योंकि दोस्त भी ने शहर के एक दो कहें जो इजाज भाई थोड़ा जो गाँव का माहौल जो बहुत ही प्यारा इस करके मैं जो सारे भैन भाई जो विजिट करा दें देसी माहौल पिंड का माहौल जो शाम टाइम किस तरह होंगे और बिल्कुल इतने टेंशन कोई नहीं किसी किस्म की गर्मियों के भावें असं इतने मंजे वगैरह असं हकीकत लिया के जो इतने दरख्तों के थले जो पा के खाला वगैरह जो चल रहा होंगे ना पानी वगैरह हों तो इतने असं मंजे वगैरह जेडे ना लैके तो जो आ जाने और आए कनक जी माशाला पिछली नालों भी जो वी है और स्कूल हो रहा वालीबाल का मैच पिछली सर्दियों के मैं लकड़ा घेड़िया इस्तेमाल कीतिया क्योंकि एले जी सरों की लकड़ा है ना इस फिर इन्हें वटियां ना उपरों उपरों तो थलों उसके उपरों उपर वटिया सी फिर जी घर पट के जड़ा ना लैके जाने बालन वगैरह जड़ा ना इनका ज़्यादातर असं इस्तेमाल करने हैं जो फुल ज्यादा हैं उन्हें वढ़ दी सर डेली दोनों जो कंध तो मैं दिखाता सी लेकिन अज जो मैं दिखा देव सरों जी वी पी है ना ये सुक जैसे गा ले बाद असं घर बालों ने इस्तेमाल करने हैं मतलब कि इन्हें हड़ वाह देने होंगे ऐल जी चीज़ है ना ये नहीं निकलेगी क्योंकि इन जो पानी लगा हों ना रौनी करके जो हड़ वादे फिर जमीन नरम हुई होंगी लकड़ा जी असं सारिया जी टोटल छिक लिया
या कुआड़ी नाल जेड़ा ने इन्होंने वढ़ लैने सोके जेड़ा ने बालन माशाल्लाह सूरज जेड़ा ने बड़ा प्यारा लग रहा सोके बालन जेड़ा ने इंदा काफ़ी सारा जेड़ा ने इस्तेमाल च आ जाता इधरली साइड तो हूँ मैं तुम्हें जेड़ा फाइनली सारा पिंड जेड़ा ना दिखा देना और फुल और सामने जेड़ा ना साढ़े घर को घर खड़े ने साढ़े और पंजा मिनटा जेड़ा मैं इतने पहुँच आया हूँ जेड़े ना पाँच मिनट घर वापसी जाते जाते जेड़े ने लग जाने और सूरज लगे हुआ है ना दो पाद घर के उपर थोड़ी थोड़ी सारे घर जेड़े ना चमक रहे हैं माशाल्लाह सारे बहन भाइयों अच्छ कमेंट करके दसना कि माशाल्लाह मेरा पिंड कहो जे है इधर आ रोड आ रोड उपर साढ़े घर ने वो उतू जेड़ा ना इंज बाजार आंदा बिच पिंड का और इतन तो पिंड की एंड हो जाती इतों पिंड शुरू होंदा इंज करके जेड़ा आंदा उत रोड पर आ गया रोड तो इंज सीधा जेड़ा साढ़े घर वो उत जाके एंड हो जाता पिंड बस 70-80 घर जेड़ा ना रोड के उपर बैठा और इतना है कि फैमिली जेड़ा तकरीबन इतने डेढ़ दो पौने 200 घर जेड़ा ने इतने टोटल आ 200 पूरा नहीं है पौने 200 जेड़ा ना घर इतने माशाल्लाह जेड़ा रेंदे ने मैं क्या काफ़ी दिन हो गए और सब्जियां वाले जेड़ा ना मेरे को अज फिर नहीं जाया गया तो पिछे मैं क्या घरे जेड़ा ना काम वगैरह काफ़ी सारा करा वाला पे इस करके जेड़ा ना मैं सब्जियां कोई नहीं गया लेकिन इंशाल्लाह मौसम सैट हो जाता ना छापर वगैरह जेड़ा लै जाता और बेगम साहब जेड़ा ना बर्तन चक के ले आते हैं तुम्हें नहीं नज़र आना मैनू नज़र आ रहा है वो सामने जेड़ा धोने वास्ते जेड़ा लैके आ रहे तो मैं भी चलना रोटी वगैरह जेड़ी खा लें तो बाकी मैं सोच रहा हूँ हवा जेड़ी रोक गई सर्दी बिल्कुल कोई नहीं आई एक दो टोड़े जेड़े ने शाम तकर कुछ जेड़े ने होर खाट लीए और थलों फसल जी हूँ माशाल्लाह शताले की जी ग्रो कर रही है शताले की फसल जी कि फिर फुटनी आ तकरीबन 6-7 लाओ जेड़े ना होर देवेंगे और मैं फिर कह रहा सारे बहन भाइयों कमेंट करके दसना कि मेरा पिंड माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत आ सारे बहन भाई कमेंट करके लाजमन जेड़ा ना तुसी दसना मैं अट अटके जेड़ा पिंड दिखा रहा मैं इंशाल्लाह एक दिन सुबह ना जो तो सर्दी कम हुई उतले महीने सुबह सुबह जेड़ा ना पिंड का सारा टोटल जेड़ा ना तुहानू चक्कर जेड़ा लगवावांगे और असी जेड़ा कूड़ा सिटने ना इस जगह ते आने सिटने रस्ता भी जेड़ा ना इधरों ही आ जदों इत्थे मालकां ने मकान बना ले फिर जेड़ा ना सानू दरवाज़ा कढ़ना पैना उंज वैसे रस्ता जेड़ा ना कोई नहीं होना जो बनीवाज जेड़ा आना पैना और इधरों मामू क्या लोई रस्ता मैं दरवाज़ा जेड़ा ना कोई नहीं कढ़िया किसी किस्म का इतों ही जेड़ा ना कूड़े की एक साइड तो जेड़ा ना साफ जिहा बन्ना वगैरह जेड़ा ना बनया होया इतों जेड़ा ना गुजर के जेड़ा ना जाना पैंदा ऐ जी नाल नाल रस्ता थोड़ा बहता इतों जेड़ा जाना पैंदा मैं जाते जाते जेड़ा ना ये रस्ता भी जेड़ा ना तुम्हें दिखा ही देिए इस तरह फिर पिंडा थावान जेड़े रस्ते वगैरह जेड़े ना इदा के जेड़े ना होंगे आ और मामू के जगह थोड़ी साफ की हुई मज जी नानके इतने बनते हैं और गल करद करद मैं भी जेड़ा ना घर पहुँच गया रोड के उपर मैं चलो शाम टाइम वर्दिश जी कि कर लीए और है जी माशाल्लाह घर असी जेड़ा ना पहुँच गए 6 मिनट लगे ने पूरा जेड़ा ना खेत घूमद्या घूमद 6 मिनटों के जेड़ा ना तंदूरियां मैं जोड़ के तो अज रखी लेकिन जी ना सेल कोई नहीं हुई एक भी लेकिन जी रश पे ना चौखियाँ हो गई तंदूरियां फिर जेड़ा ना उम्मीद आ कि सेल जेड़ियां ना होवन गियाँ क्योंकि सीजन जेड़ा ना अभी तक महीना पिया उतले महीने शुरू होने तैयारी जी ने असी इस महीने ना जेड़ा ना तंदूर बनावा की जी अलहमदुल्ला कर लेंगे और नुमान साहब और जेड़े ना साइकिल ही चला रहे हैं बजा के लिया इतने हूँ नुमान जेड़ा ना वाल आ गया फसल फिरन ओ सॉरी याद ही नहीं रहा तो बिस्मिल्लाह ध्यान से तेन लगा टायर आली दिन पिछले हैं दो है ना हाँ मैंने पता है तेन लगा टायर है टायर कोई नहीं ने हाँ चला हूँ फिर नुमान जो साइकिल चलाने का तरीके का पता लग गया जी तो माशाल्लाह घर जेड़े ना पहुँच गए और मेहमान जेड़े ने मेरे आने पहले जेड़े ना आए बैठे से एक तो भाई और जेड़े ने आए ने दूसरा सिस्टर अच्छा यार इन्नी भी सर्दी कौन जितना तू कुकड़ बनया खड़ा स्कूटर है अच्छा जी स्कूटर है यार वे कनोलिया की बनाई फिरना ब्रांड है कौन यार की कदी काम शम करता रहेगा
चलो ठीक है। और बाकी हुण जिहड़ा ना तुहाडे दूसरे मेहमान नाल जिहड़ी ना मुलाकात कराने सिस्टर जिहड़ा ना काफ़ी माशाल्लाह जिहड़ा सफ़र करके सानू मिलन वास्ते आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उन्हां दा। और सिस्टर जिहड़ा ना बैठे ना, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सिस्टर, ठीक हो? हां जी ठीक ठाक, मैं अपने ध्यान में लगी सी मोबाइल देख रही थी। जी 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 जी, मैंने लगा तू फोन पे गल। हां जी, मैं अगे इधर चला गया सी फसलां वाल, पिंड दा जेड़ा ना मतलब कि व्लॉग वगैरह जेड़ा ना जाके बनाया। ये बस भाई हां जी व्लॉग दी भी मैं बस तुहानू मिलन वास्ते ही आई। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। हां जी, मैं ज्यादातर ना बाबा जी और बेबे जी बहुत मसला मेनू बहुत अच्छे लगे थे हां जी मिलन वास्ते, और आमना नु मिलन वास्ते, और तुसी भी भाई बेटा है। हां जी जी जी, हां जी, अच्छे लोग है। जी जी, बस बहुत चाहत है किसी इंसान जी साडे मोबाइल ना विच दुनिया नु देखदा ते ओनु दिल करदा कि ओनु असल विच देखिए जा। मैं बस इससे चाहत है चाहिए कि मैं तुहानू असल ते देखा जाके और मिलन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हां जी रात रहे साडे कोल फिलहाल जिहड़ा ना होनी आए ने बइया मंदली होरां जिहड़ा रहे ने बस ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਾ ਫਤਮਨ ਚਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਸਫਰ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ, और जी माशाल्लाह शाम हो गई, मेहमान जेड़े अल्हम्दुलिल्लाह साडे चले गए। मैं भी काम वगैरह और करना सोच के आया सी, उधरों गांव घूम के आया तो मैं आके चल के जेड़ा ना तंदूर वगैरह दा टोया वगैरह जेड़े ने कोर खाट लेने, लेकिन मेहमान आ गए फिर उन्होंने जेड़े ना बैठे रहे। अब्बू जी फैमिली जेड़ी नहाने वाली बैठे ने अग और वेले नाल जेड़े ने अपने डेरे अंदर ला के बैठे ने। की होया? कैन च साइकिल मारी सो, मैं तो डिग पिया। नहीं नहीं, मैं भी आके डिग पिया। और जी आज दा ए वाला व्लॉग भी जेड़ा ना इत्थे खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलने हैं किसी नेक्स्ट अच्छे सच्चे व्लॉग दे। और अगर कोई मेरा बैंड भाई राबता करना चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम बनया हुआ है इजाज विलेज व्लॉग दे नाम ते, तुसी उत्थे आके वॉइस मैसेज जरिए जिनी गल बात कर सकदे हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिया जी, दुआ में याद रखिया जी। अल्लाह हाफिज़।